दुनिया के चार सबसे खुशनसीब इंसान। नंबर 4, 4 times लॉटरी विनर। लॉटरी, अक्सर अमीर बनने की चाहत में लोग अपना नसीब आजमाते हैं और खरीदते हैं लॉटरी का टिकट। पर क्या आपने सोचा है कि लॉटरी जीतने की इस दुनिया में कितनी ज्यादा संभावना होती है? ये होती है 20 करोड़ में से एक। जी हाँ, ये संभावना इतनी कम है कि इससे ज्यादा संभावना तो उल्का पिंड के टकराने के बाद आपकी होने वाली मौत से भी कम है। यानी कि उल्का पिंड के टकराने से आपकी मौत हो सकती है, लेकिन फिर भी आप लॉटरी नहीं जीतोगे। खैर, मैं बात कर रहा हूँ जॉन आर गिंथर इस महिला की, जिसने एक दो नहीं बल्कि 4 बार लॉटरी जीती है और हर बार ये लॉटरी 10 करोड़ रुपयों से कम नहीं थी। खुशनसीबी ने जब जॉन के दरवाजे पर पहली बार दस्तक दी थी, वो साल था 1993 का, जब जॉन ने $54 लाख जीते। 13 साल बाद 2006 में उसने जीते $20 लाख, 2008 में $30 लाख और 2010 में $1 करोड़ जीतकर जुआन ने सबके अंदाजे को गलत ठहरा दिया। नंबर 3, won 2 lotteries after coming back from coma। वक्त के बारे में मैं तो एक ही गारंटी दे सकता हूँ दोस्त, वो ये कि वक्त की कोई गारंटी नहीं होती। बिल मॉर्गन, इस व्यक्ति के साथ वक्त ने ऐसा हसीन खेल खेला कि बिल की दुनिया ही बदल गई। एक एक्सीडेंट में बिल की कार एक ट्रक से टकराने की वजह से वो जख्मी हो गए। उनकी धड़कन 14 मिनट के लिए रुक गई, फिर भी बिल बच गए, लेकिन अभी भी वो कोमा में थे। कोमा एक ऐसी अवस्था होती है जिससे कुछ ही लोग जिंदा बाहर निकलते हैं। बिल के कोमा से बाहर निकलने के बेहद कम संभावना के चलते उनके परिवार की अनुमति लेकर उनका लाइफ सपोर्ट निकालकर उन्हें सुकून से मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन किसी बड़े चमत्कार जैसे बिल लाइफ सपोर्ट निकालने के बाद भी कोमा से बाहर आ गए। कुछ ही दिनों में ठीक होने के बाद बिल ने एक स्क्रैच कार्ड खरीदा, जिसमें कार्ड स्क्रैच करने के बाद बिल ने $27,000 की कार जीत ली। शायद एक्सीडेंट में खराब हुई कार के बदले भगवान ने उसे दूसरी कार दिला दी। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ दोस्त। बिल की ये दिलचस्प कहानी एक न्यूज चैनल कथा के रूप में टीवी पे दिखाना चाहता था। इसी कथा में बिल काम कर रहे थे। अब उनको एक्टिंग करनी थी कि वो एक स्क्रैच कार्ड लेंगे, स्क्रैच करेंगे, फिर $27,000 उन्होंने जो जीते हैं वो एक्टिंग करेंगे। लेकिन अभी जो कार्ड उन्होंने स्क्रैच किया, उस कार्ड में उन्होंने फिर से $2,50,000 जीते। ये सब लाइव हुआ, जिसे देख हर कोई बिल के नसीब पर हैरान ही रह गया। नंबर 2, द मैन हु कैन नॉट बी किल्ड। देश में कई ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं जिनसे प्यार और नफरत बराबर मिलती है। क्यूबा के प्रधानमंत्री रह चुके फिडेल कास्ट्रो उन्हीं में से एक हैं। फिडेल कास्ट्रो एक ऐसा इंसान जिसे कभी भी मारा ना जा सका। आप जानते हैं फिडेल कास्ट्रो को कितनी बार मारने की कोशिश की गई थी? 630 बार। जी हाँ, 630 बार मारने की कोशिशों के बावजूद ये इंसान बच गया। मारने वालों में से CIA यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ अमेरिका की खुफिया एजेंसी, कई बड़े बड़े माफिया डॉन और उनकी पत्नी खुद भी शामिल थी। आइसक्रीम में जहर देकर मारने की कोशिश, सिगार में जहर रख दिया, सिगार में छोटा सा बम रख दिया, छिपी हुई जहरीली हाइपोडेमिक सुइयों का इस्तेमाल कर मारने की कोशिश, ऐसी कई सारी कोशिशें की गई, लेकिन सब नाकाम हो गए। 630 से भी ज्यादा में से किसी भी हमले में उनकी मौत ही नहीं हुई। आखिरकार उम्र के 91 साल में उनका देहांत हो गया। फिडेल के मामले में शायद यमदेव आते आते रास्ता ही भूल जाते होंगे, इसीलिए शायद वो बच गया। नंबर 1, द टेट्रा क्रोमेसी गर्ल। कंसेटा एंटी को एक ऐसी महिला है जो बाकी इंसानों से 100 गुना ज्यादा रंग देख सकती है। जी हाँ, सच सुना आपने, 100 गुना ज्यादा। एक पेड़ के पत्ते की तरफ देख के पूछा गया कि इसमें आपको क्या दिखाई देता है, तो कॉन्सेटा ने कहा कि जहाँ आप इसमें सिर्फ हरा रंग देख सकते हो, मुझे इस पत्ते के किनारे पे लाल या ऑरेंज और जामुनी रंग दिखाई देता है। जहाँ आप इसके परछाई में डार्क हरा रंग देख सकते हो, वहीं मैं बैगनी, फिरोजा और नीले रंग देख सकती हूँ। कॉन्सेटा अपनी खुली आंखों से यूवी लाइट किरणें भी देख सकती है। कॉन्सेटा को जितने रंगों की समझ है, उतनी पंछियों, मछलियों और बस रेंगने वाले जीवों को ही होती है। इस कंडीशन को टेट्रा क्रोमेसी कहते हैं। आम इंसानों की आंखों में 3 प्रकार के कोन सेल्स होते हैं, लाल, हरा और नीला, लेकिन कॉन्सेटा की आंखों में 4 तरह के कोन सेल्स हैं। आप सोच रहे होंगे कि कॉन्सेटा जैसे कितने इंसान धरती पर मौजूद होंगे, तो आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कॉन्सेटा एकलौती ऐसे इंसान है जिसमें ये अद्भुत शक्ति पाई गई है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा नसीब वाली है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।